तो माखनलाल यूनिवर्सिटी का मामला सदन में भी गूंजा। इसके बाद भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की और पूरे मामले की जानकारी दी और एक्शन की बात कही है कि इस पूरे मामले में एक्शन लिया जाए, क्योंकि सरकार की ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से उम्मीद लगाए बैठे थे विद्यार्थी कि जब दिल्ली में हंगामा होता है, कहीं और हंगामा होता है, तो कांग्रेस सरकार जो है, प्रदेश की कमलनाथ सरकार है, वो इस मुद्दे को उठाती है, ट्वीट करती है और पूरी घटना के बारे में जानकारी देती है, सपोर्ट करती है। लेकिन जब राजधानी भोपाल में माखनलाल विश्वविद्यालय में ये पूरा मामला होता है तो सरकार की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया जाता। हालांकि बात करने की कोशिश की गई और मंत्रियों से चर्चा करने की कोशिश की गई, लेकिन विद्यार्थियों से किसी मंत्री की कोई बातचीत नहीं हो पाई। आज सदन में भी मुद्दा उठा, बताए कि शिवराज सिंह चौहान ने शून्यकाल में मुद्दा उठाया और ये भी कहा कि जो कार्रवाई इन विद्यार्थियों पर की गई है उसे वापस लिया जाए। FIR जो की गई है 23 लोगों पर, उन्हें उस FIR को भी वापस लिया जाए और सदन में भी शून्यकाल में ये मुद्दा आज उठा है। चलिए, हमारे सहयोगी विकास वर्मा हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं। विकास, जो पूरी कार्रवाई हुई आपने उसे देखा, सब कुछ देखा, और आज ये जो मुद्दा था वो सदन में गूंजा, शिवराज सिंह चौहान ने पहले प्रतिक्रिया दी थी और अब शून्यकाल में भी ये मुद्दा गूंजा। देखिए, सीधे तौर पर जब पहला दिन था आंदोलन का, जब पहला दिन था तब छात्रों का आंदोलन इतना बड़ा नहीं था। छात्र गए थे अपनी मांग को लेकर, सीधे तौर पर उन्होंने एक ज्ञापन था, वो ज्ञापन दिया, वो ज्ञापन जो है कुलपति को देने गए थे, लेकिन कुलपति बाहर थे, तो जिस वजह से जो वहाँ पर रजिस्ट्रार हैं दीपेंद्र बघेल, उनको उन्होंने वो जो ज्ञापन है, ज्ञापन की कॉपी दी। चूँकि उस दिन स्टूडेंट्स की संख्या करीब 20 से 25 रही होगी, तो जब स्टूडेंट्स बाहर की ओर आ रहे थे, जब उनको बाहर किया जा रहा था और उस समय रजिस्ट्रार जो है वो मीटिंग का बहाना देकर उनसे मिलने से इनकार कर रहे थे, तब छात्र जो है वहाँ पर थोड़ा सा नारेबाजी करने लगे। इस बीच जो है, ऐसा कहा जा रहा है कि इस बीच जो है वो कांच टूटा था, और वो कांच टूटने की जो FIR जो है 2 दिन बाद कराई गई, जब छात्र अगले दिन जब कुलपति आए थे उनके साथ पूरी एक बैठक हुई थी, उस बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि जो दोषी जिन विद्यार्थियों ने जो आरोप लगाए हैं जिन एडजंक्ट प्रोफेसर के खिलाफ, दिलीप मंडल और मुकेश कुमार के खिलाफ, उसके खिलाफ जो है उसके खिलाफ उन्होंने विश्वविद्यालय प्रबंधन ने एक जो कमेटी का गठन किया था, 10 सदस्यीय कमेटी थी जिसमें सभी विभाग अध्यक्ष थे, और साथ ही जो कमेटी है 15 दिन में जांच रिपोर्ट देगी। यहां तक मामला बहुत ही स्मूथ चलता आ रहा था, लेकिन जब जैसा ही विश्वविद्यालय प्रबंधन ने यह निर्णय लिया कि 10 सदस्यीय कमेटी होगी और 15 दिन में जो है जांच रिपोर्ट वो है पेश करेगी, अब छात्रों का सीधे तौर पर कहना था कि 10 सदस्यीय कमेटी में स्टूडेंट्स को शामिल किया जाए, चूंकि UGC की गाइडलाइन भी है कि किसी भी इस तरीके की कमेटी में स्टूडेंट्स को शामिल करना चाहिए, जिससे विश्वविद्यालय प्रबंधन ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया। साथ ही स्टूडेंट्स का यह भी कहना था कि 15 दिन बहुत लंबा वक्त होता है, और ट्वीट उन्होंने किए हैं वो स्पष्ट रूप से आपको ट्विटर पर दिख हैं, आप उसको देखकर सीधे जांच कर सकते हैं, अधिकतम 1 सप्ताह या 5 दिन से 7 दिन के अंदर ये जांच हो जानी चाहिए, लेकिन विश्वविद्यालय प्रबंधन ने इस बात से सीधे तौर पर इनकार कर दिया। और स्टूडेंट्स ने एक तीसरी जो मांग उठाई थी कि जब तक, यानी जिन 15 दिनों में जांच चलेगी उस अवधि में दिलीप मंडल और मुकेश कुमार जो है इनको कैंपस में आने नहीं दिया जाए, यानी इन्हें इस अवधि के लिए निष्कासित किया जाए कैंपस से। विश्वविद्यालय प्रबंधन शुरुआत में ये तीनों मांगे नहीं मान रहा था, एन वक्त पे आकर जब शाम के वक्त जब पुलिस आई कैंपस में और जब हंगामा होने लगा, तब विश्वविद्यालय प्रबंधन जो है वो इनमें से कुछ मांगों पर सहमति जता रहा था अनऑफिशियली, लेकिन लिखित में उन्होंने कुछ नहीं दिया था, जिसके बाद जो है कुलपति हैं दीपक तिवारी हैं, उन्होंने पुलिस प्रबंधन को कैंपस खाली कराने को कहा। उनका ये तर्क है कि अगले दिन चूंकि एग्ज़ाम शुरू होने थे, जिस वजह से स्टूडेंट जो हैं यहाँ पर अगर बैठे रहेंगे तो कैंपस खाली होना चाहिए, जिस वजह से पुलिस ने उनको वहाँ से उठाया और पुलिस ने जो वहाँ पर बल प्रयोग किया स्टूडेंट्स के साथ, जो बिल्कुल हाथापाई की घसीटते हुए उनको जो है 5वें माले से नीचे लेके आए, जिसके बाद स्टूडेंट जो है वो थोड़े से आक्रोशित हो गए और उन्होंने वहाँ पर जो पूरा धरना दिया। तभी शाम को जो रजिस्ट्रार हैं विश्वविद्यालय के, उन्होंने एक FIR MP नगर थाने में कराई थी, जो एक दिन पहले जो कांच टूटा था उस खिलाफ, उस मामले में, और उसमें जो 10 स्टूडेंट हैं उनके खिलाफ नामजद FIR दर्ज कराई गई।
जब FIR दर्ज हो गई तो अगले दिन जब पूरा मामला जो उठा तो बहुत से सामाजिक संगठन हैं वो सामने आए, सांसद जो हैं भोपाल के साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, उन्होंने भी जो ट्वीट करके इस कार्रवाई को निंदनीय बताया, बहुत से लोगों ने निंदनीय बताया, लेकिन मामला उतना नहीं जो है वो इस मामले को उतना हाइप नहीं मिला, क्योंकि अगले दिन जब देर शाम कल सीधे तौर पर 23 छात्रों को टोटल निष्कासित किया, 10 वो छात्र जिन पर FIR थी, क्योंकि इन सभी छात्रों के एग्जाम 23 दिसंबर से होने हैं, सेमेस्टर एग्जाम है, इन सभी छात्रों को एग्जाम देना है, और विश्वविद्यालय का जब ये निर्णय शाम को 5 बजे के बाद आया, उसके बाद से सोशल मीडिया पर या अन्य व्हाट्सएप ग्रुप पर कहीं भी देखो इसी बात की चर्चा थी। सीधे तौर पर अब एक चीज देखें तो जितने लोग दिलीप मंडल के समर्थन में थे शुरुआती दौर में, जो सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू दिलीप मंडल का समर्थन कर रहे थे, स्टूडेंट्स को गलत बता रहे थे, लेकिन जब छात्रों का निष्कासन हुआ तो उन्होंने इस निष्कासन की कार्रवाई को वो भी गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि छात्रों को इस तरीके से अगर कोई भी छात्र प्रोटेस्ट करता है, और ये पत्रकारिता के छात्र हैं, भविष्य में जर्नलिस्ट बनेंगे, अगर आज आप उनकी आवाज दबाएंगे तो ये अपनी आवाज आगे कैसे रखेंगे, तो इसलिए सीधे तौर पर जो है सभी जो समुदाय है, जो जर्नलिस्ट है, सबने इसकी जो है पूरी तरीके से भर्त्सना की है, और आज इसी के विरोध में जो है पूरा एक 3 बजे के करीब जो दोपहर 3 बजे सभी लोग विश्वविद्यालय के बाहर जमा हो रहे हैं। जी ठीक है विकास, लेकिन जब हमने निष्कासित विद्यार्थियों से भी यहाँ बात करने की कोशिश की तो उनका यही कहना था कि सरकार से भी हमने बात की, सरकार के मंत्रियों को भी हमने फोन किया, शायद हमें कोई मदद मिल सके, हेल्प मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, किसी भी तरीके की हमें कोई मदद यहाँ पर नहीं मिल रही है। जी बिल्कुल, छात्रों ने सीधे तौर पर जो है मौजूदा मंत्री है उनसे संपर्क करने की कोशिश की, पहली बात तो जो कुलपति है उनसे संवाद करने की कोशिश की, लेकिन उस दिन के बाद से जब छात्रों पर FIR हुई उसके बाद से कुलपति जो है उन्होंने भी उनका जो पक्ष है बिल्कुल नहीं सुना, और छात्रों की मांग थी जो FIR रद्द कराया जाए, लेकिन विश्वविद्यालय का कहना है क्योंकि विश्वविद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है इस वजह से FIR कराई गई है। बहुत से जो मंत्री हैं उनसे भी ये छात्र मिले हैं, अगर बात करें सांसद की, सांसद से भी उन्होंने संपर्क किया था, और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी संपर्क किया था, लेकिन पिछले दिनों जो है कोई भी नेता मंत्री जो है विश्वविद्यालय में उनके समर्थन में नहीं आया, और ना ही उसने कुलपति से बात की किसी भी नेता मंत्री ने कि जो इन छात्रों पर जो FIR हुई है उसको जो है हटाया जाए। इस बीच भले ही भीम आदमी और OBC मोर्चा, साथ में करनी सेना, संस्कृति बचाओ के तमाम जो संगठन है पक्ष में विपक्ष में विश्वविद्यालय में आए, उन्होंने ज्ञापन दिया, लेकिन किसी ने भी पुख्ता तरीके से छात्रों की आवाज नहीं उठाई, और जब 23 छात्रों का निष्कासन हो गया तब जाकर अब सभी संगठन जो है वो एकजुट हुए हैं और उनका निष्कासन जो है वो रद्द करने की मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल विकास, लेकिन सवाल यही है कि जब 15 दिन का वक्त इन दोनों प्रोफेसरों को दिया गया है पूरी कार्रवाई के लिए, तो क्यों इन विद्यार्थियों को नहीं दिया गया, क्यों इनको खदेड़ दिया गया, क्यों FIR कर दी गई? यही सीधा सवाल है कि आखिर इतनी कौन सी बड़ी वजह थी कि इन छात्रों को निष्कासित किया गया? हमने जो विश्वविद्यालय के जो हमारे सोर्सेज है हमने उनसे पता किया, तो एक सीधे तौर पर ये जो छात्र हैं जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं उनके मन में एक खौफ पैदा करने की वजह से ये निष्कासन की कार्रवाई जो की गई है, क्योंकि उनका कहना है कि अगर ये निष्कासन का जो आदेश आएगा जिसके बाद ये जो है ग्रुप है पूरा तितर बितर हो जाएगा, बहुत से स्टूडेंट्स जो है विश्वविद्यालय प्रबंधन से माफीनामा मांगेंगे, क्योंकि माफीनामा देंगे और कहेंगे जो एग्जाम होना है कि तो उसमें हमें बैठे दिया जाए, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रबंधन को सीधे तौर पर पता है कि अगर स्टूडेंट के लिए एग्जाम जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, अगर उससे ही उसे निष्कासित कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स है उनका विरोध जो है वो खत्म होगा, और इसको सीधे तौर पर हर व्यक्ति जो है तानाशाही रवैया जो है कुलपति की ओर से बता रहा है। कहीं ना कहीं विकास देखा जाए तो यही पत्रकारिता विश्वविद्यालय के वो विद्यार्थी है जो आगे जाकर भविष्य है देश का, एक पत्रकार है, लेकिन जब वो अपनी बातों को वहां सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि आप अपनी बातों को अच्छे से रख सकते हैं, आजादी से रख सकते हैं, जो भी इशू हो आप उससे खुलकर बोलिए, और जब वो सामने आते हैं इस तरीके की टिप्पणी का वो विरोध करते हैं, तो क्यों उन्हें खदेड़ दिया जाता है? आपको नहीं लगता ये गलत है? सीधे तौर पर जो है इसका हर कोई जो है हर इंटेलेक्चुअल हर जर्नलिस्ट हर कॉमन मैन जो भी यह मामला देख रहा है उसका यही कहना है कि अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सामान्य तरीके से आवाज उठाई जा रही है, अगर आपने 10 छात्रों के खिलाफ पहले तो FIR कराई, उसके बाद भी आपका मन नहीं मारा और आपने टोटल 23 छात्रों को निष्कासित कर दिया, यानी जब दिल्ली में जो कार्रवाई हो रही है जामिया स्कीम में, जामिया जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो इस तरीके का बवाल हुआ था,
वहां पर सामने आया कि वहां भी तत्व थे उनके खिलाफ एफआईआर हुई, इसलिए विश्वविद्यालय का कोई छात्र जो है उसमें जो सामने नहीं था, वहां भी इस तरीके का मामला हुआ। वहां तो इससे बड़ा मामला था, लेकिन वहां भी विश्वविद्यालय के छात्रों के खिलाफ ना कोई एफआईआर हुई ना ही उनका निष्कासन हुआ। किसी भी विश्वविद्यालय में छात्र को पूरा अधिकार होता है कि वो अपनी जो मांग है वो संवैधानिक तरीके से रखता है, और यहाँ भी छात्र वही कर रहे थे कि संवैधानिक तरीके से अपनी अपना जो विरोध है वो दर्ज करा रहे थे, लेकिन विश्वविद्यालय ने जिस तरीके से रवैया अपनाया उसकी जो है वो फिलहाल जो है उसे सही नहीं बताया जा रहा है किसी के द्वारा भी। बिल्कुल विकास, आप पूरी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, पहले ही दिन से आप देख रहे हैं, अब विश्वविद्यालय से लेकर उपराष्ट्रपति तक पूरा मैटर पहुंच चुका है, सांसद साध्वी प्रज्ञा ने कल मुलाकात की है, क्या लगता है अब क्या एक्शन रिएक्शन इस पूरे घटनाक्रम पर होगा? देखिए विश्वविद्यालय प्रबंधन से जो अनऑफिशियली बातचीत है तो फिलहाल यही समझ में आ रहा है कि जो 23 छात्रों का निष्कासन है वो जल्द से जल्द वापस हो सकता है, और ये जो निष्कासन है ये दबाव बनाने के लिए एक तरीके से किया गया था, और ये जो निष्कासन है वो रद्द होना चाहिए, ये भी तमाम संगठनों की मांग है, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि आज देर शाम तक या कल तक ये निष्कासन जो है वो रद्द हो सकता है। बिल्कुल विकास, और एक और जिक्र मैं यहाँ करना चाहूंगी, दिलीप मंडल ने ट्वीट करके ये भी कहा है कि जो ये बच्चे हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो आरएसएस के कहने पर कर रहे हैं, कुल मिलाकर एक छोटा सा प्रदर्शन था, जातिगत टिप्पणी थी, लेकिन यहाँ पर आरएसएस और राजनीतिक रूप इस पूरे घटनाक्रम ने ले लिया है। देखिए 1994 से जब से विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है तो उस पर हमेशा यही आरोप लगते आए हैं, जिस जो पार्टी की सरकार होती है मध्य प्रदेश में वो मानसिकता जो है वो पढ़ाई जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जब जैसे ही यहाँ पर कांग्रेस की सरकार आई तो विश्वविद्यालय में जितने भी जो तस्वीरें लगी थी जो भाजपा के समर्थित जो भी नेता थे, चाहे वो दीनदयाल हों या अन्य नेता हों, उनकी तस्वीरें सबसे पहले आगे हटाई गई। तो इस तरीके से जो विचारधारा का गढ़ तो बना ही हुआ है, जब जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी तो यहाँ पर एक अन्य एक आरएसएस की विचारधारा को प्रमोट करने का जो है वो इल्जाम जो है लगाया जाता था विश्वविद्यालय प्रबंधन पर। अब यहाँ पर जो किसी कांग्रेस की सरकार है और दिलीप मंडल जैसे लोग जो है वो प्रोफेसर हैं, एडजंक्ट प्रोफेसर हैं, अब वो जो अपनी विचारधारा यहाँ पर जो है थोपने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा जो है आरोप लगाया जा रहा है सीनियर के द्वारा। विरोध पहले भी हुआ था, विरोध अब भी हो रहा है, लेकिन इस तरीके की कार्रवाई है, निष्कासन जो है 23 छात्रों का या एफआईआर है, ये पहली बार हो रहा है। हालांकि इससे पहले विश्वविद्यालय प्रबंधन तर्क दे रहा है कि पूर्व कुलपति के समय में भी इस तरीके की एफआईआर हुई थी, लेकिन उस समय एक जो विश्वविद्यालय के जो कर्मचारी है उसके साथ धक्का मुक्की करी थी छात्रों ने, जिसके कारण उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। बिल्कुल, और विकास यहाँ पर एक अभी हाल ही में ट्वीट किया है प्रोफेसर दिलीप मंडल ने, उन्होंने लिखा है कि जो मेरा विरोध कर रहे हैं उनका ट्विटर और फेसबुक टाइमलाइन देखिए, ये भी उन्होंने लिखा, और ये भी कहा कि जो इसमें लाइक्स आ रहे हैं कमेंट्स आ रहे हैं वो ओबीसी के लोगों को है, ये हालिया उन्होंने ट्वीट किया है। देखिए दिलीप मंडल जो है अब वो भी इस मामले में पूरी तरीके से राजनीति पर उतर आए हैं। शुरुआत में उन्होंने जो है जब पहले दिन आरोप लगा तो उन्होंने मीडिया में जब हमने उनसे बात की, टेलीफोन पर बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि मुझे इस मामले में कोई जानकारी नहीं है और यही मेरा वर्जन है। लेकिन वहीं पर अगले 10 मिनट में जब उनसे बातचीत की, अगले 10 मिनट में उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने सीधे तौर पर किरण को आमंत्रित कर दिया कि आइए आप मुझसे डिबेट करिए, अगर आपकी विचारधारा की लड़ाई है तो आइए मुझसे डिबेट करिए और मैं आपको जवाब दूंगा, आप फांसी के सीट पर आ सकते हैं। इस तरीके का उन्होंने सीधे तौर पर ट्वीट किया, लेकिन मीडिया से बात करने से वो बचते रहे, उनका सीधे तौर पर कहना था मुझे इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। वहीं अब इस तरीके से ट्वीट करके वो छात्रों को इस तरीके से फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, जो छात्रों का मानना है कि वो चाह नहीं रहे कि निष्कासन जो है वो रद्द होने की जो प्रक्रिया में हो, वो निष्कासन जो है वो रद्द ना हो और इस तरीके से छात्र और भड़क कर और आंदोलन करें। तो पूरी तरीके से इस मामले को मामले का जो है पूरी तरीके से राजनीतिकरण कर दिया गया। जी चलिए, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए विकास।